PQRS is a diameter of a circle with radius 6 cm. The lengths PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn on PQ and QS as diameter as shown in the figure. Then find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि पी क्यू आर एस क्या है. पी क्यू आर एस डायमीटर है उस सर्कल का जिसकी की रेडियस 6 सेंटीमीटर है. मतलब इस बड़े सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर. फिर बोला है कि पी क्यू क्यू आर और ये आर एस, ये जो तीन लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल हैं और पी क्यू को डायमीटर कंसिडर करके ये सेमी सर्कल बनाया गया है जबकि क्यू एस को डायमीटर कंसिडर करके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर एक शेडेड रीजन निकल के आ जाता है और इस शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं. अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से. तो पी एस क्या है, डायमीटर है और अगर ये डायमीटर है तो रेडियस के डबल के बराबर होगा. तो हम लोग इसको लिखते हैं कि पी एस, क्योंकि डायमीटर है तो पी एस इक्वल टू 2 इंटू रेडियस यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा. तो अब देखिए हम लोगों के पास इस बड़े सर्कल का डायमीटर है कितना, 12 सेंटीमीटर. अब पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं. तो अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नाउ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू किसके बराबर होगा, जब तीनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो हर एक पार्ट इस पूरे पार्ट का क्या होगा, 1/3 होगा. यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1/3 ऑफ पी एस, इसका मतलब 1/3 इंटू 12 और ये कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर. ये पार्ट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर और ये पार्ट भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या निकल के आता है भाई, जो ये वाला सेमी सर्कल है ना इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, तब इसकी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और इस सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रेडियस क्या निकल के आ जाती है, 4 सेंटीमीटर. बात यहाँ तक समझ आती है. अब हम लोगों को अगर इस शेडेड रीजन का एरिया फाइन करना है तो हम लोग कैसे फाइन कर सकते हैं, देखो इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम लोग इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें और साथ में ये वाला सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दिया जाए तो आ जाएगा ना शेडेड रीजन का एरिया. ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले मेंशन कर देते हैं. सो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर. मैं से माइनस कर रहा है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर. मैं प्लस कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर. मतलब इस सेमी सर्कल के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर रहे हैं और इसके एरिया को प्लस कर रहे हैं. तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं. सो दिस इक्वल टू क्या करना है हम लोगों को, इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है. अगर ये हाफ सर्कल है तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर. सो 1/2 पाई को पाई ही रहने दीजिए और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है. सो यहाँ पर रख दिया 6 और इसका स्क्वायर. मैं से माइनस करना है देखो इस सर्कल के एरिया को और इसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया होगा 1/2 पाई आर का मतलब 4 और इसका स्क्वायर. मैं प्लस कर देना है किसको, इस सेमी सर्कल के एरिया को और इसकी रेडियस कितनी होगी, 4/2 का मतलब 2 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया होगा भाई 1/2 पाई और रेडियस है 2 तो इसका स्क्वायर. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो देखिए 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 अपॉन में क्या है 2, साथ में पाई है, माइनस का साइन है रखिए. 4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16 अपॉन में 2 है, साथ में पाई है, प्लस का साइन है रखा हम लोगों ने. 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4 अपॉन में 2 और पाई साथ में है. अब 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 18 टाइम्स होगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स. तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ से, यहाँ से हम लोगों को मिला 18 पाई, यहाँ से हम लोगों को मिला 8 पाई और प्लस में 2 पाई हो जाता है. क्लियर है, 18 पाई में से 8 पाई माइनस किया तो 10 पाई और 10 पाई में 2 पाई प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 12 पाई. करेक्ट है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाता है, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए. ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं. मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.